चेन्नई सुपर किंग्स के बाहर होते ही शेन वॉटसन ने लिया संन्यास। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका WIP टीवी के एक और नए वीडियो में। चेन्नई सुपर किंग्स को साल 2018 में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से चैंपियन बनाने वाले खिलाड़ी शेन वॉटसन ने संन्यास ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया का ये दिग्गज खिलाड़ी अब IPL में भी नहीं खेलेगा। शेन वॉटसन IPL 2020 में कुछ खास नहीं कर पाए थे। इस खिलाड़ी ने 11 मैचों में महज 29.90 की औसत से 299 रन बनाए। वॉटसन के बल्ले से 2 अर्धशतक निकले और उनका स्ट्राइक रेट 121.05 का रहा। शेन वॉटसन का औसत प्रदर्शन चेन्नई सुपर किंग्स को भारी पड़ा और इस वजह से वो पहली बार IPL के प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाई। बड़ी बात ये है कि शेन वॉटसन जैसा दिग्गज खिलाड़ी मैदान से क्रिकेट को अलविदा नहीं कह पाया। चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने आखिरी लीग मैच की प्लेइंग 11 में शेन वॉटसन को जगह नहीं दी। वॉटसन ने अपना आखिरी IPL मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 29 अक्टूबर को खेला था। खबरों के मुताबिक चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को भी जानकारी नहीं थी कि शेन वॉटसन इस सीजन के बाद क्रिकेट को अलविदा कहने वाले हैं। जैसे ही चेन्नई ने किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ अपना आखिरी लीग मैच खेला, उसके बाद ही वॉटसन ने अपने साथी खिलाड़ियों को बताया कि वो क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्यास ले रहे हैं। बता दें, चेन्नई सुपर किंग्स ने वॉटसन को साल 2018 में खरीदा था। उस वक्त उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था। दोस्तों, 2018 के IPL फाइनल में वॉटसन ने शानदार शतक ठोक चेन्नई सुपर किंग्स को तीसरी बार IPL चैंपियन बनाया था। दोस्तों, शेन वॉटसन का IPL करियर गजब का रहा। उन्होंने राजस्थान रॉयल्स, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स का प्रतिनिधित्व किया। इस खिलाड़ी ने 145 मैचों में 30.99 की बेहतरीन औसत से 3,874 रन बनाए। वॉटसन ने IPL में 4 शतक और 21 अर्धशतक ठोके, तो वही IPL में 92 विकेट भी झटके। दोस्तों, शेन वॉटसन को अगर IPL इतिहास के सबसे बड़े मैच विनर खिलाड़ियों में शुमार किया जाए तो गलत नहीं होगा। साल 2008 में वॉटसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। साल 2013 में भी वॉटसन मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने। 2008 IPL सेमीफाइनल में वॉटसन ने 52 रनों की पारी खेल राजस्थान रॉयल्स को फाइनल में पहुंचाया था। 2018 फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी वॉटसन ने नाबाद 117 रन ठोके थे। 2019 में उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ क्वालिफायर मैच में 50 रन बनाए थे। IPL 2019 के फाइनल में भी वॉटसन ने 80 रनों की पारी खेली थी, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स महज 1 रन से IPL फाइनल हार गई थी।